नमस्कार फ्रेंड, आपको प्रियंका कुमारी किचन में आपका स्वागत है। आप सबके अगर हमारे वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। देखिए, आप सबके लिए बहुत ही आसान और इजी दो आलू से बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता लेकर आए हैं फ्रेंड। आप हमें वीडियो में बने रहें, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, कितना टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता है फ्रेंड। ये बहुत ही टेस्टी और खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप हमें देखिए फ्रेंड, कितना टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बनके तैयार है। आप अपने बच्चे या दोपहर कुछ जब भी आपको टाइम मिले बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही झटपट ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। चलिए अब वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज हम दो कच्चे आलू से बनाएंगे टेस्टी नाश्ता। इसको ले लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे और कद्दूकस करते हुए पानी में इसे हम डालते रह जाएंगे जिससे ये काला ना पड़े। फ्रेंड, कद्दूकस करते जाएंगे और पानी में डालते जाएंगे जिससे ये इसका अच्छी सी। अब हमने फटाफट दोनों आलू को धो लिए हैं कद्दूकस करके अच्छे से, जिसका इसका स्टार निकल गया है। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ बारीकी प्याज, हरा मिर्चा और थोड़ी सी धनिया के पत्ते। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी लाल मिर्च कुटी हुई पीसी हुई पाउडर, थोड़ी हल्दी पाउडर, थोड़ा जीरा मिर्च पाउडर, थोड़ी काली मिर्च एक मीडियम साइज से चम्मच से, सूजी और दो चम्मच गेहूं के आटे, थोड़ा पानी से इस तरह सा बना लेंगे। अब चलते हैं पैन की तरफ। फ्रेंड, गैस पे पैन चढ़ा दिए हैं। इसमें अब तेल गर्म हो गई है, थोड़ी सी तेल में ये टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होगा। अब आप इसमें हम इस तरह से चम्मच के सहायता से इस तरह से हम लेकर इसको ठंडा ठंडा बना लेंगे। ये बच्चों को भी लंच में दे सकते हैं और सबको ही खा सकते हैं ये नाश्ता। बहुत कम ही तेल में बनकर नाश्ता तैयार हो जाएगा। बहुत कम ही तेल में टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा और आप खा सकते हैं। फ्रेंड, ऐसे अलट पलट कर पका लेंगे, बहुत जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगा। एक चम्मच मस के साथ से इस तरह से हम पलट लेंगे। देखिए कितना टेस्टी और अच्छा नाश्ता दिख रहा है ना। देखिए फ्रेंड, बनकर तैयार हो गया। इसे अलटते पलटते ही पकाएंगे। देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी कम तेल में बनकर तैयार हुआ है। देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा और टेस्टी बनकर तैयार हो गया है।